तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का पार्ट टू होने तो जा रहा क्राउन ज्वेल में, लेकिन इस बार इस मैच के अंदर किसकी विक्ट्री होगी? सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस साल क्राउन ज्वेल के अंदर हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का पार्ट टू देखने मिलेगा जब फिर से दोनों आमने सामने आएंगे। लेकिन भैया रिसेंट टाइम में इस वाले मैच के विनर को लेकर कुछ स्पॉइलर कह लो, कुछ बातें कह लो आ चुकी है सामने। कौन होगा इस मैच के अंदर विनर, बॉबी या फिर ब्रॉक, तो उसके बारे में बात करेंगे। रिसेंट टाइम में जो एनएक्सटी का शो था वो सेम दिन भी हुआ जिस दिन AEW था, तो भाई कौन जीता रेटिंग्स में, AEW या फिर एनएक्सटी? फाइनली रेटिंग्स आ चुकी है सामने। WWE के पास क्या प्लान है शिंसुके नाकामुरा को लेकर? जब रीसेंट टाइम में NXT में अपीयर हुए, क्या वो अब NXT के अंदर ही रहेंगे? रीसेंट टाइम में जो मिस ने एक्टिंग की थी ना मंडे नाइट रॉ में इंजरी की, वो एक्टिंग जरूर थी लेकिन मिस को रियल इंजरी भी हुई है। और बॉबी लैशली ने भी टीज कर डाला रीसेंट टाइम में उनका फर्स्ट टाइम एवर मैच। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हमारी क्विक अपडेट के साथ में इस बार जुड़ी है ओमास एंड ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में। रीसेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं जो WWE वाले उन्होंने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर एक नया फ्यूड शुरू किया, वो ओमास और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में दोनों एक दूसरे कन्फ्रंट वगैरह करते हुए नजर आ रहे हैं। WWE की जो कहानी है वो इस तरीके से कंटिन्यू है। एंड रीसेंट टाइम में एक अपडेट आ चुकी है सामने, बताया जा रहा है जो WWE का अपकमिंग फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो होने वाला है, इसी स्मैकडाउन के शो के ऊपर WWE वाले मैच ऑफिशियल करेंगे क्राउन ज्वेल के लिए, जब ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ओमास का आमना सामना होने वाला है। देखो टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्डबर्ग वर्सेस ओमास ज्यादा बेटर ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ओमास का मैच रहने वाला है। एंड मैं एक्साइटेड हूं थोड़ा बहुत इस मैच के लिए, दोनों भैया लंबे चौड़े इंसान जब आमने सामने आएंगे क्राउन ज्वेल के अंदर तो एक अच्छा खासा मैच रहने वाला है। और मेरे हिसाब से काफी लोग ये कह भी रहे थे कि भाई WWE को ये मैच करवाना चाहिए, तो ये आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर WWE वाले इस मैच को ऑफिशियल करते हुए नजर आएंगे जब स्ट्रोमन का आमना सामना होगा ओमास के साथ में एट क्राउन ज्वेल 2022। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, ये जुड़ी है रिसेंटली हुए NXT के एपिसोड की रेटिंग्स प्लस AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप के बारे में। वैसे मैं AEW डायनामाइट की रेटिंग ज्यादा कवर करता नहीं, लेकिन इस हफ्ता थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें थी। यहां पर NXT हेड टू हेड कॉम्पिटिशन में था AEW डायनामाइट के शो के साथ में, उन्हें थोड़ा बहुत स्विच करना पड़ गया, प्रीपॉन करना पड़ गया अपना शो। ये वो रीजन जिस दिन NXT हुआ उसी दिन AEW डायनामाइट का शो होता हुआ नजर आया, तो फाइनली रेटिंग्स आ चुकी है सामने। तो कौन जीता AEW या फिर NXT? तो सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा सॉरी आंसर है, वो है NXT हार चुकी है यहाँ पे और जीत हो चुकी है AEW डायनामाइट की। लेकिन कितने बड़े मार्जिन से वो तो देख लेते हैं। रिसेंट टाइम में जो NXT के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है वो ये 676 के व्यूअरशिप, जो कि बहुत अच्छी खासी रेटिंग मानी जा रही है NXT की। और वहीं बात करूँ AEW डायनामाइट के बारे में, जहां वो 1 मिलियन टच कर रहे थे, इस हफ्ते जो व्यूअरशिप आई है वह ये 752,000 यानी कि 752 के, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं रखता है NXT और AEW के बीच में। AEW के अंदर कौन कौन अपीयर हो रहा है, MJF हो रहे हैं, जॉन मॉक्सली, अच्छा वहां तो टाइटल मैच भी तो हो रहा है ये भी तो देखो, बल्कि यहां तो शो के मेन इवेंट के अंदर बस केविन ओन्स आ रहे थे आराम से चिल वगैरह करने के लिए। तो भाई उसके हिसाब से देखा जाए व्यूअरशिप NXT की बहुत ज्यादा बेहतरीन आई है। अब यहां पर अगर आप रोमन रेंस को डाल दो, रोमन रेंस के अंडिस्प्यूटेड टाइटल डिफेंड हो जाए या फिर कहो WWE की मेन टाइटल डिफेंड हो जाए, तो व्यूअरशिप तो 800 के तक तो पहुंच ही जाएगी। तो अगर देखा जाए तो भाई ठीक है, यहां पर मैं मान सकता हूं कि NXT भी जीती एक तरीके से, लेकिन फिर भी अगर आप एक्चुअल में रेटिंग्स वॉर की बात करो तो यहां पर NXT को हल्का सा हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन फिर भी दोनों कंपनी ने ठीक ठाक रेटिंग गेन कर ली है और NXT जिस हिसाब से चल रही है भाई ट्रिपल एच NXT को और ऊपर ले जाने का ट्राई कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से जो उनकी अप्रोच है वो काफी ज्यादा बेहतरीन भी है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंसुके नाकामुरा के बारे में। अब जो मैं रिसेंटली NXT के शो की इतनी तारीफ कर रहा हूं ना, इसी स्मैकडाउन कह रहा हूं यार मैं, इसी NXT के शो के ऊपर हमारे किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टाइल शिंसुके नाकामुरा भी अपीयर होते हुए नजर आते हैं। और यहां जो नाकामुरा उनके एक मैच के अंदर विक्ट्री वगैरह भी हो जाती है, तो होता है कि इसके बाद एक अपडेट आ चुकी है सामने कि नाकामुरा के फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं, WWE नाकामुरा को इन फ्यूचर किस तरीके से बुक करेगी, क्या वो NXT का पार्ट रहने वाले हैं या फिर वो हमारे मेन रोस्टर के अंदर आके कंपीट करेंगे। तो रिसेंट हमें जो अपडेट आई सामने उसके अकॉर्डिंग भाई इन फ्यूचर आपको NXT के अंदर और भी नाकामुरा की अपीयरेंस देखने मिलेंगी, लेकिन ये चीजें पूरी तरीके से क्लियर नहीं है फुल टाइम शिफ्ट होने वाला है या फिर जस्ट कुछ स्लेटेड अपीयरेंस के लिए नाकामुरा को लाया जाएगा NXT के शो के ऊपर। आगे जो मैं कहना चाह रहा हूं तुम लोग समझ रहे होगे कि देखो अभी फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं है वो फुल टाइमर रहेंगे या फिर नहीं, क्या वो NXT के अंदर ही अब कंपीट करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपको नाकामुरा की तरफ से NXT के एपिसोड्स के ऊपर और भी काफी सारी अपीयरेंस देखने मिलेंगी, ऐसा कुछ मानना है यहां पर। अब देखो जब नाकामुरा की एंट्री थी NXT के शो में जो क्राउड काफी इलेक्ट्रीफाइंग हो गया था, पूरा क्राउड उनके गाने वाने गाने लग गया था, तो जो देखा जाए नाकामुरा करियर के लिए भाई काफी अच्छी चीज है। एक बार फिर से अगर आपको उन्हें रिजुविनेट करना है तो ट्रिपल एच के पास एक अच्छा मौका उन्हें NXT में भेज दिया जाए, और कुछ टाइम के लिए जब वहां पर एक बार फिर से बिल्ड कर लेंगे लाओ भैया मेन रोस्टर में और उन्हें एक बार फिर से चैंपियन, चीजें काफी परफेक्ट रहने वाली है। लेकिन लेट्स सी एनुअल टाइम में नाकामुरा क्या होता है, लेकिन शायद आपको एनुअल में नाकामुरा NXT मेन रोस्टर दोनों में दिखाई देंगे। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, इस बार ये जुड़ी है द ऑलमाइटी फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बॉबी लैशली के बारे में। और रिसेंट टाइम भाई बॉबी लैशली भी अपना एक फर्स्ट टाइम एवर मैच टीज कर डाला है, उन्होंने कहा अगर रेसलमेनिया के अंदर उन्हें किसी का फेस करना है, ये जो फॉर्मर हमारा वर्ल्ड चैंपियन है वो इसका फेस करना चाहेंगे, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे ड्वेन जॉनसन द पीपल्स चैंप द रॉक है। रिसेंट टाइम में होता है कि हमारे लैशली का इंटरव्यू होता है और यहां जो लैशली बात करते हैं
ग्रैंड स्टेज ऑफ द मॉल रेसलमेनिया के बारे में और वहां पर उनका कौन सा ड्रीम अपोनेंट रहने वाला है। तो कहते देखो काफी सारे नाम है इस बड़े बिजनेस के अंदर, काफी सारे बड़े बड़े नाम है एक्चुअल में, और मुझे नहीं पता कि आने वाले टाइम में मैचेस किस तरीके से बनेंगे, जो मैं मैच सोच रहा हूं बन पाएगा या फिर नहीं। लेकिन हाँ, द रॉक हमेशा से एक बड़ी आइकॉनिक फिगर रहा इस कंपनी के अंदर। ऐसे काफी सारे और लोग हैं जिनका मैं इस टाइम में फेस करना चाहूंगा, ऑन द लाइन है मेरे वो रेसलमेनिया के अपोनेंट के तौर पर। लेकिन फिर भी अगर तुम जानो कि भाई द रॉक एक बहुत ही बड़ी फिगर है और उसका मैं जरूर आने वाले टाइम में फेस करना चाहूंगा, एक तरह का लैशली का ड्रीम मैच है और उनके हिसाब से सभी ये मैच चाहते हैं और ये जो मैच है वो एक काफी अच्छा मैच रहने वाला है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर बॉबी लैशली ने कही है कि भैया अगर उनका ड्रीम मैच रहता है रेसलमेनिया का, वैसे काफी सारे लोग होंगे लेकिन द पीपल चैंप द रॉक का जरूर फेस करना चाहेंगे एक बार रेसलमेनिया के अंदर। तो ये हमारे बॉबी लैशली का एक फर्स्ट टाइम एवर मैच, तो देखो आने वाले टाइम में मैच होगा या फिर नहीं। मैं तो कह रहा हूँ रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच हो जाए ना भाई, वही बहुत बड़ी बात होगी। आने वाले टाइम में द रॉक और WWE मैचेस के अंदर कम्पीट करें आई डोंट थिंक सो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हाँ बॉबी लैशली वर्सेस द रॉक भी एक अच्छा खासा मैच रहता। लेकिन देखते हैं पहले क्या नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के अंदर फाइनली रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच होता है या फिर नहीं। द रॉक के एक बार फिर से WWE रिटर्न के लिए आएंगे, सभी एक्साइटेड हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सिंगल लास्ट अपडेट की तरफ। इस बार जुड़ी थी ये लिस्ट में इसके बारे में, रिसेंटली मंडे नाइट रॉक के अंदर हमने क्या देखा, जो मिज है वो अटैक करते हुए नजर आते डेक्सटर लूमिस के ऊपर, पीछे से चेयर लाते हैं उन पर भाई लगातार वार पे वार कर देते हैं। और इससे पहले मिज एक्टिंग कर रहे थे बैक स्टेज के ऊपर, स्लिप हो गए, ये वो रीजन उनके पैर में चोट वोट लगती हुई नजर आई है और डेक्सटर का आमना सामना नहीं करना चाहेंगे। लेकिन रिसेंट हमें जो मिज है वो अपने पॉडकास्ट के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर वो आगे बात रिवील करते हैं कि हाँ भाई उन्हें रियल इंजरी भी एक्चुअल में हुई है, वो ये मंडे नाइट रॉक के दौरान नहीं, उससे पहले हो चुकी है। वो कहते देखो हम लोग हर हफ्ते कम्पीट करते रहते, हर मैच के बाद में जाता आराम से बेड के ऊपर सोने वगैरह के लिए, लेकिन ब्रुसैक टाइप जो एक तरह की इंजरी टाइप उन्हें सफर करना पड़ रहा है करंटली मिज को, उसमें काफी पेन वगैरह होता है पूरी बॉडी वगैरह के अंदर, और ये वो रीजन है जो मिज है वो अभी कम्पीट वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। और एक तरह का ये रियल रीजन बताया जा रहा है कि WWE वालों ने जो डेक्सटर एंड मिज का मैच है पोस्टपोन कर डाला, हो सकता है WWE से आने वाले टाइम में शेड्यूल करती हुई नजर आए। अब देखो WWE वाले मिज और डेक्सटर लूमिस की जो कहानी वो लंबे टाइम से चला रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप ऐसी कहानी चलाते रहोगे, जानबूझ के उन्होंने दिखाया कि यहाँ पर मिज का WWE मैच प्लान कर रही थी डेक्सटर के साथ में। लेकिन अल्टीमेटली जो चीज है वो इस तरीके से एंड होती हुई नजर आई, जब मिज ने डेक्सटर के ऊपर पीछे से अटैक कर डाला। मेरी तरफ से रिकवरी वाले विशेष है मिज के लिए, उम्मीद करूंगा जल्दी रिकवर होते हुए नजर आए, ज्यादा कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बॉडी वगैरह जो पेन है वो मिज को भैया थोड़ा कम्पीट नहीं करने दे रहे हैं, और WWE ने सोचे इसलिए जो मैच है थोड़ा पोस्टपोन वगैरह कर दिया जाए। लेकिन अब हम लोग पढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, WWE के इस साल के क्राउन ज्वेल के इवेंट के बारे में जुड़ी है, जहां पर होगा पार्ट 2 चैप्टर 2 ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली के बीच में। जरूरी मैच काफी बड़ा काफी कमाल का होने वाला है। लेकिन भाई लास्ट टाइम हमने देखा जब इन दोनों का मैच हुआ रोमन रेंस की इंटरफेरेंस हुई थी पॉल हेमन रिंग साइड के ऊपर, और उनके कारण जो ब्रॉक लेसनर है वो अल्टीमेटली इस वाले मैच में हारते हुए नजर आए थे। लेकिन इस बार ना बीच में रोमन है ना पॉल हेमन है और ना ही बॉबी लैशली के साथ MVP या फिर हर्ट बिजनेस है। तो होता है कि रिसेंट हमें एक तरह के बेटिंग ऑड्स आ चुके हैं सामने इस वाले मैच के कि भाई किसकी विक्ट्री होगी लैशली या फिर लेसनर की। जो बेटिंग ऑड्स आए सामने उसका स्क्रीन शॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, करेंटली जो ऑड्स है वो फेवर कर रहे हैं हमारे काउ बॉय ब्रॉक लेसनर को, उनके ऑड्स है 1.30 और वहीं बॉबी लैशली के जो ऑड्स हैं वो है 3.25। अब जिन लोगों को ऑड्स के बारे में नहीं पता है, जितनी ज्यादा कम वैल्यू होगी उतना ज्यादा चांस होने वाला है, और कम वैल्यू किसकी है वो है ब्रॉक लेसनर की, यानी कि सिंपल सी बात है इस वाले मैच के अंदर करेंटली हमारे काउ बॉय ब्रॉक लेसनर फेवरेबल है कि वो हराएंगे ऑल माइटी बॉबी लैशली को। पहले टाइटल मैच होने वाला था, मुझे लगा भाई US टाइटल इंक्लूड होगी, लेकिन अच्छी बात है नॉन टाइटल मैच होने वाला है। अब नॉन टाइटल मैच है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई, कौन जीतेगा ब्रॉक या फिर बॉबी। वैसे बॉबी लैशली की पहले अगर रिकॉर्ड वाइज देखा जाए विक्ट्री हो चुकी है ब्रॉक के ऊपर, तो मेरे हिसाब से इस बार हाई चांस है कि फाइनली काउ बॉय ब्रॉक लेसनर एक बड़े मैच के अंदर कंपीट करेंगे एंड फाइनली उस बड़े मैच के अंदर उनकी विक्ट्री भी होगी। और मैं एक्साइटेड हूं कि WWE किस तरीके से इन फ्यूचर ब्रॉक को बुक करेगी एक नॉन टाइटल मैचेस के अंदर, लेकिन पहले क्राउन ज्वेल के अंदर मैच होगा नॉन टाइटल वाला एक लंबे टाइम बाद। तो देखते हैं क्या ब्रॉक लेसनर ऑड्स के अकॉर्डिंग हरा पाते हैं या फिर नहीं हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली को। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, आपके हिसाब से भाई किसकी विक्ट्री होगी ब्रॉक या फिर बॉबी की, और आपका कौन सा विनर होने वाला है। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।